जी, आज हम डिस्कशन करेंगे रिगार्डिंग प्रोडक्ट हंटिंग, कि हम डिफरेंट तरीके से प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं वॉलमार्ट पर सेलिंग करने के लिए। तो उसकी डिटेल में आज हम डिस्कशन करेंगे। वॉलमार्ट पे हम लोग जो ड्रॉप शिपिंग करते हैं, टू स्टेप ड्रॉप शिपिंग, उसके काफ़ी सारे मेथड्स हैं जिसमें सोर्सिंग काफ़ी जगहों से हम लोग कर सकते हैं। लेकिन हम लोग ज़्यादातर जो है, जब टू स्टेप कर रहे होते हैं, तो वॉलमार्ट टू वॉलमार्ट ड्रॉप शिपिंग भी कर सकते हैं, अमेजोन टू वॉलमार्ट ड्रॉप शिपिंग हो सकती है। इसके अलावा आप सैम्स क्लब टू वॉलमार्ट भी मतलब ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप वाइट लेबल करना चाहते हैं, तो फिर आपकी जो सोर्सिंग है वो मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट होगी। और इसके अलावा अगर ड्रॉप शिपिंग के और भी बहुत सारे मतलब हैं, रिटेलर्स जैसे होम डिपो है, बीजेएस है, इनके थ्रू भी बहुत सारे लोग जो हैं वो ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें यह है कि ट्रैकिंग के लिए आपको कोई ना कोई ऐप इस्तेमाल करनी पड़ती है। अच्छा, कुछ लोग डायरेक्ट ड्रॉप शिपिंग करते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करती हूँ कि अगर अकाउंट को सिक्योरली लेकर चलना है तो टू स्टेप ड्रॉप शिपिंग पर वर्किंग करें, वो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले मैं वॉलमार्ट टू वॉलमार्ट ड्रॉप शिपिंग के बारे में आपको बताना चाहूंगी। सो मैं walmart.com ओपन करूंगी, आपको सारे मेथड्स बता देती हूँ जो आपको कन्वीनियंट लगे, जो आप एप्लीकेबल अप्लाई करना चाहें वो आप कर सकते हैं। सो सबसे पहले वॉलमार्ट टू जी वॉलमार्ट आपको बता देती हूँ, मैंने walmart.com ओपन किया है। अगर आप इसको साइन इन कर लेंगे तो वो भी ठीक है, अगर आप ऐसे ही हंटिंग करना चाहते हैं तो वो भी कोई मसला नहीं है उसमें। अच्छा, इसमें अब डिपार्टमेंट है काफी सारे जिसमें हम प्रोडक्ट जो है मतलब उसकी कैटेगरी या सब कैटेगरी वगैरह सिलेक्ट कर सकते हैं। लेट से हम यहाँ पर पेट्स में चले जाते हैं हम। अच्छा, पेट्स के भी काफी सारी वेबसाइट्स हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं, जैसे पेटको है, उससे हम लेकिन वो फिर टू स्टेप के लिए नहीं। उसमें यह है कि आपको कुछ ना कुछ इन्वेंट्री जो है वो बाय करनी पड़ती है, उसके लिहाज से जो है मतलब ये ठीक कंसीडर होगा। ठीक है, तो उसमें यह है कि 10 पीस खरीद लें, 5 खरीद लें। इसके अलावा वॉलग्रीन है, यहाँ से भी हम प्रोडक्ट्स की ड्रॉप शिपिंग के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ, आप प्रोडक्ट की सोर्सिंग वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, तो पेट में हम जो है वो लेट से इनकी फूड की तरफ चले जाते हैं और इसको देख लेते हैं, और लेट से हम डॉग फूड की तरफ चले जाते हैं और इसको सर्च कर लेते हैं। अब इसमें काफी सारी आइटम्स हमारे पास आ जाएंगे। इसको अब किस तरह से लेकर चलना है, क्या मतलब सोर्सिंग का क्या तरीका है, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी। अच्छा, लेट से मैं ड्राई डॉग फूड की तरफ चली जाती हूँ। इसमें काफी सारी कैटेगरीज हैं, आप वन बाय वन किसी को भी ले सकती हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर देखिए 1000+ जो है वो प्रोडक्ट्स आ रही हैं। अच्छा, अगर वॉलमार्ट टू वॉलमार्ट ड्रॉप शिपिंग करनी है तो उसका पहला स्टेप ये है कि आपने ये देखना है कि सेम प्रोडक्ट जो है वो वॉलमार्ट जो है वो शिप कर रहा हो। ठीक है, शिप एंड सोल्ड बाय वॉलमार्ट आ रहा हो, तो फिर ही हम उस प्रोडक्ट को कंसिडर कर सकेंगे। लेट से मैंने ये वाली प्रोडक्ट ओपन की है। अब इसका जो क्राइटेरिया है वो आपने देख लेना है कि यहाँ पर आपको सोल्ड एंड शिप बाय वॉलमार्ट नजर आना चाहिए। ठीक है, अब जैसे ये आइटम है, इसको मैंने ओपन किया है, ये इसकी सारी डिटेल यहाँ पर आ रही है, और वन टाइम परचेज और शिपिंग। अब ये पिकअप फ्रॉम ये कोई और स्टोर है जो कि इसको सेल आउट कर रहे कर हैं, पा रहा है। और सोल्ड एंड शिप बाय वॉलमार्ट भी अवेलेबल है। ठीक है, ये यहाँ पर अगर डिटेल्स अगर इसकी देखें तो फ्री 90 डेज का रिटर्न है, एंड सोल्ड एंड शिप बाय वॉलमार्ट भी है। और ये जो है वो पिकअप के लिए और ये डिलीवरी के लिए कोई और सेलर भी इसको सेल आउट कर रहे हैं। तो ऐसी आइटम जिसके ऊपर दूसरे सेलर्स भी बैठे हों और वॉलमार्ट भी बैठा हो, इस तरह की प्रोडक्ट हमने लेनी है। और फिर इनके प्राइस में डिफरेंस को भी हमने देखना है, क्योंकि अगर हम टू स्टेप कर रहे हैं तो टू स्टेप में हमें जाहिर बात है लेबलिंग का, पैकेजिंग का दोबारा से हमें मतलब एक्सपेंस भी आएगा। कॉस्ट लगता ठीक है, है। अब इसमें यहाँ पर अगर आप देखो तो ये भी वही मतलब है, और यहाँ पर सोल्ड एंड शिप बाय मतलब आ रहा है वॉलमार्ट आ रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखें कोई और सेलर फिलहाल जो है वो मौजूद, ये मोर सेलर ऑप्शन, एक सेलर और अवेलेबल है जो इसी प्रोडक्ट को मतलब देखें कि यहाँ पर अगर आप देखें तो 29.99 में सेल आउट कर रहा है, लेकिन कोई और सेलर 64 में इसको फोर सेल तो कर रहा है। ठीक है, इनको कैसे बाय बॉक्स मिलता होगा अगर वही वॉलमार्ट ही बेच रहा है 29 का तो। असल में ये होता है कि समटाइम
वॉलमार्ट ना रेस्ट्रिक्शन लगा देते हैं अपने अकाउंट पे कि आप इससे ज्यादा बाय नहीं कर सकते, तो जब उन्हें ज्यादा क्वांटिटी चाहिए होती है तो फिर मजबूरन उन्हें दूसरे सेलर से ऑर्डर करना पड़ता है, तो ये प्रॉब्लम होती है। और समटाइम ये होता है कि जैसे अब ये 15th of July तक जो है वो भेज रहे हैं प्रोडक्ट, लेकिन अब कस्टमर अगर इसको ऑर्डर करते हैं तो ये हो सकता है वेरी नेक्स्ट डे ही प्रोडक्ट को शिप कर दे। तो उस सिनेरियो में अगर कस्टमर को वेरी नेक्स्ट डे नहीं चाहिए, उसको स्केड्यूल करके चाहिए, किसी और डेट पे चाहिए, तो वो फिर कोशिश करेगा कि किसी और से ऑर्डर कर ले। और समटाइम ये होता है कि रेंडमली आप टॉप पर नजर आ रहे होते हैं, उसकी वजह से भी जो सेलर है वो आपसे परचेजिंग कर लेगा। लेकिन ज्यादातर केसेस में जो दूसरे ऑप्शंस परचेज करने का लोगों के पास वो होता है तरीका, वो यही होता है कि लोग क्या कर रहे होते हैं, उनके पास वॉलमार्ट ने लिमिट लगाई होती है कि वो इससे ज्यादा इस प्रोडक्ट का ऑर्डर नहीं कर सकते, लेकिन उनको और प्रोडक्ट उसी तरह की चाहिए होती है, जिसकी वजह से वो फिर तो मतलब दूसरे सेलर से खरीद लेते हैं फिर। ठीक है, तो बहुत सारी इस तरह की आइटम्स हैं। अच्छा, इसमें एक चीज और आपने देखनी है कि जो प्रोडक्ट है वो किस तरह के ब्रांड की है, क्योंकि आईपी कंप्लेन को भी हमने देखना है। उसके लिए एक एक्सटेंशन है जिसका नाम है आईपी अलर्ट। ठीक है, आईपी अलर्ट, ये जहां पर मेरा इस वक्त कर्सर है ये आपने इंस्टॉल कर लेनी है अपने लैपटॉप पर। ठीक है, क्रोम एक्सटेंशन है, सिंपल इसको क्रोम एक्सटेंशन है। इंस्टॉल करने के लिए आपने यहाँ पर आईपी अलर्ट क्रोम एक्सटेंशन लिखना है। ठीक है, ये कुछ एक्सटेंशंस हैं, वो भी मैं आपको करवाऊंगी ताकि आपको जो है ना आसानी हो जाए और बहुत सारे आपके इश्यूज जो हैं वो रिजॉल्व हो जाएं। ये आईपी अलर्ट क्रोम वेब स्टोर पे जाकर आपने, ये क्रोम एक्सटेंशन पर जाकर आपने इसकी एक्सटेंशन को डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, ऐड टू क्रोम करना है, मेरे यहाँ पर ऐड हुई है ये, इसलिए यहाँ रिमूव फ्रॉम क्रोम लिखा हुआ है, इसको ऐड कर लीजिएगा। वैसे ये पेड है, लेकिन मैं आपको इसकी की जो है वो प्रोवाइड कर देती हूँ, आप इसको एंटर कर लेंगे तो ये लाइफ टाइम के लिए आपको फ्री मिल जाएगी। ठीक है, तो मैं आपको, एक मिनट, मैं इसका स्क्रीनशॉट शेयर करती हूँ आपको, आप इसे इंस्टॉल कर लें तब तक अपने पीसी पर, और मैं इसकी एक्सटेंशन आपको सेंड करती हूँ, आप उसे अपने अकाउंट में आईपी में एंटर कर लें, आपको ये फ्री में जो है वो एक्सटेंशन रन करने में आसानी हो जाएगी। अच्छा, अब ये जो आईपी अलर्ट है ना, ये आप इसको ना सेम प्रोडक्ट को अगर अमेजोन पर या किसी और प्लेटफॉर्म पर ओपन करेंगे, वॉलमार्ट पे रन नहीं होती। ठीक है, walmart.com पे रन नहीं होती। अगर आप वॉलमार्ट टू अमेजोन, सॉरी अमेजोन टू वॉलमार्ट अगर ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं तो फिर जो है वो आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। अब इसमें मैं आपको बता देती हूँ कि वैसे यही आप, ब्रांड हम अमेज़न पे फाइंड करके आईपी अलर्ट चेक कर सकते हैं ना, ऐसे बिल्कुल भी कर बिल्कुल सकते बिल्कुल, ऐसे ही है, ऐसे ही है। उसमें हम हैं। जस्ट amazon.com ओपन कर इसके लेंगे और अधिकतर सेम लिस्टिंग प्रोडक्ट जो को वहां वॉलमार्ट पे पे जाके होती है जस्ट वो उसके ब्रांड को देख लेंगे कि आईपी अलर्ट तो नहीं है। उसमें आपको ना मतलब काफी बेनिफिट हो जाता है कि क्योंकि जो ब्रांड amazon पे रेस्ट्रिक्शन देते हैं वो 90% इस तरह के ब्रांड होते हैं जो बाकी जगहों पर भी दे रहे होते हैं, मतलब जो हर जगह दे उनको, देते हैं। हाँ मतलब दे रहे होते हैं। अब जैसे ये पेडिग्री है, इसको मैं यहाँ पर amazon.com पर सर्च करूंगी। ठीक है, ये ड्राई डॉग फूड या जो भी, मतलब इसके ब्रांड की असल में हमने देखना है कि ये मतलब कंप्लेन देता है या नहीं देता है। ये काफी सारी एक्सटेंशंस डाउनलोड की हुई है मैंने, तो आपको भी बताऊंगी। अच्छा, ये देखिए यहाँ पर ये ग्रीन टिक आ रहा है, इसका मतलब है कि इसके चांसेस कम है इसको कंप्लेन देने के लिए। ठीक है, यहाँ पर देखें। अच्छा, जिस पर कंप्लेन ज्यादा आती होगी, जिस ब्रांड पर, जैसे यहाँ कोई और, अच्छा, उस पर ब्लू टिक आ जाएगा। सॉरी, अब इस ब्रांड को चेक कर लेते हैं। इस तरह से ब्रांड्स को आपने वहां पर चेक करते जाना है। ठीक है, आपको ये है कि अंदाजा हो जाएगा कि जो ब्रांड है वो कंप्लेन जो है वो लॉन्च करता है नहीं करता, क्या है क्या नहीं है। ठीक है, किबल्स एंड बाइट्स है, इसको हम चेक कर लेते हैं, इसकी आईपी को। जी, अब देखिएगा इस आइटम पे हम आ गए हैं,
और यहाँ पर भी देखें ग्रीन टिक है, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे ब्रांड्स अगर हम जनरल सर्च करेंगे ना तो उस पर पॉसिबल आईपी ग्रीन टिक प्लेस की नहीं बजाय है। ना एक येलो कलर की मतलब एक लाइट ब्लिंक कर रही होगी उसके ऊपर, तो वो शो करेगा कि ये जो ब्रांड है ये रेस्ट्रिक्टेड है। अच्छा, इसके अलावा ना रेस्ट्रिक्टेड ब्रांड्स को आप देख सकते हो, एक ना सेलर एसेंशियल के नाम से ना एक वेबसाइट है, वहां पर भी आप रेस्ट्रिक्टेड ब्रांड्स को देख सकते हो। तो वो यूजुअली ये होता है कि ऐसे ब्रांड्स जो कि ज्यादातर कंप्लेन अमेजोन वगैरह पर लॉन्च करते हैं ना, और रेस्ट्रिक्टेड ब्रांड्स होते हैं वो यहाँ पर हमें पता चल जाते हैं, तो वो यूजुअली रेस्ट्रिक्टेड अगर अमेजोन पर है तो वो वॉलमार्ट और दूसरी मार्केट प्लेसेस पर भी काफी हद तक जो है वो रेस्ट्रिक्टेड होते हैं। तो हमारी कोशिश होती है कि उन ब्रांड्स को हम सेल ना करें। अब जैसे ये ब्रांड्स हैं ये यहाँ पर हमें शो हो रहे हैं, तो हम जो है इन ब्रांड्स को कंसीडर कर सकते हैं, और इन ब्रांड्स को हमने अवॉइड करना होता है क्योंकि ये लोग ज्यादातर कंप्लेन जो है वो लॉन्च कर रहे होते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं ये अल्फाबेटिकली अरेंज कुछ ब्रांड नेम्स हैं जिनको हमें अवॉइड करना है, जैसे WWE जो है ये एक बहुत बड़ा ब्रांड है, इस तरह की जितने भी ब्रांड्स है, येटी ब्रांड है, ठीक है, काफी सारे ब्रांड्स हैं इसमें जो कि रेस्ट्रिक्टेड होते हैं। सो इसके अलावा मैं आपको फर्दर जो है वो डिटेल्स इसके बारे में बता दूं। तो हंटिंग का और क्या क्राइटेरिया, ये कैसे पता करेंगे कि वॉलमार्ट में किसी प्रोडक्ट की कितनी सेल है? मतलब इज देयर एनी वे टू जज इट और इज जस्ट फ्रॉम द अमेज़न टूल? सॉरी, आपकी आवाज क्लियर नहीं है। हाँ अभी आ रही है। हाँ, अब सही आ रही है। मैं कह रहा हूँ कि हमें ये कैसे पता चलेगा वॉलमार्ट में कि किस प्रोडक्ट की कितनी सेल आ रही है और वो इज इट सारी जस्ट चीजें लाइक मैं आपको बताती हूँ, वो और टूल्स हैं, अभी मैं आपको ग्रेजुअली सारी चीजों के बारे में बताती हूँ, ठीक है। अभी सबसे पहली चीज, अच्छा, बहुत सारे लोग ना मतलब जिस तरह आपसे भी मेरी डिस्कशन हुई थी तो आपने भी मुझे कहा था कि आप भी कुछ इस तरह से कर रहे हैं कि amazon.com पर जाते हैं और जो टॉप रेटेड प्रोडक्ट्स होती हैं उनमें जाकर आप उसकी सोर्सिंग वगैरह तलाश करके तो आप उसको कर ब्यूटी लेते हैं, सप्लायर वगैरह स्किन फाइंड आउट कर कैटेगरी में लेते हैं। लेकिन आपने एक चीज नोटिस की होगी कि उन तमाम प्रोडक्ट्स में अगर तो आपकी मैन्युफैक्चरिंग या सोर्सिंग आपकी अच्छी है तो आपको कुछ बच रहा होगा, अदरवाइज उन प्रोडक्ट्स में कंपटीशन बड़ा ज्यादा होता है। हाँ रिटेलर से अगर मैडम बाय करते हैं ना तो फिर तो कंपटीशन बहुत है और वो फिर लॉस में जाता है। अगर हम हाँ, डायरेक्ट मैन्युफैक्चर से वाइट लेबल करते हैं तो इट इज मच मच पॉसिबल टू सेव एटलीस्ट 60% ROI तो बच जाता है, विच इज गुड। अगर हम अपनी WFS फी, रेफरल फी निकाल दें और प्रेप के भी अलावा निकाल दें, 45 सेंट, FNSQ, लेबलिंग, जो भी निकालना है कॉस्ट, तो 60% के तकरीबन ROI बनती है, वो कि बहुत अच्छी है। ऐसे ही। समटाइम कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो 100% ROI भी देखे जाते हैं, बट वो कंपटीशन के ऊपर डिपेंड करता है किस लिस्टिंग पे कितना कंपटीशन है। सही। अच्छा, इसमें ना ये चीज है कि सैम्स क्लब वगैरह में आपको थोड़ा ये बेनिफिट हो जाता है कि अगर आप एक ही एड्रेस, यानी कि आप टू स्टेप जब कर रहे होते हैं तो जाहिर बात है प्रोडक्ट आपकी एक ही उस पर जा रही होती है एड्रेस पर, तो जब एक ही एड्रेस पर डिलीवर हो रही होती है ना उसमें आपको डिलीवरी कॉस्ट बिल्कुल जीरो हो जाती है, समटाइम मोस्ट ऑफ द टाइम बल्कि, ठीक है। मल्टीपल एड्रेसेस पर जब आप भेजते हैं ना तब आपको शिपिंग कॉस्ट उसमें काफी ज्यादा पड़ रही होती है, लेकिन जब आप सिंगल एड्रेस पे भेज रहे होते हैं उस टाइम पे शिपिंग कॉस्ट आपको काफी कम, और अगर आपके पास एग्जेम्प्टेड आईडी है यानी कि जिस पे आपने एग्जेम्प्शन ली हुई है तो आपको और भी बेनिफिट हो जाता है, टैक्स वगैरह भी एग्जेम्प्ट हुआ हुआ होता है आपके पास, तो आप ना उसमें भी काफी बचत कर लेते हैं। यानी कि अगर आप व्हाइट लेबल की तरफ नहीं भी जाते ना तो अगर आप इस तरह से इसकी सोर्सिंग करते हैं तो तब भी आपकी काफी बचत हो जाती है। जैसे अब आपकी जो सेल्स वाला क्वेश्चन है उसका मैं आपको आंसर करती हूँ अभी, ठीक है। वो एक एक्सटेंशन है, वो मतलब आपको मैं बताऊंगी, उसके थ्रू जो है वो हम इन सारी चीजों की कैलकुलेशन कर लेते हैं, ठीक है। अब वॉलमार्ट पे ऐसे इवन कोई कैलकुलेटर होता है लोग उसके अंदर लोग जो आपको कंप्लीटली कैलकुलेट करके आरओआई तक निकाल के दे देते हैं कि भाई आपको क्या इसके ऊपर आरओआई बचेगा अगर आपकी सोर्सिंग यहाँ से है, ठीक है। तो वो अच्छा कंप्लीट ड्रॉप शिपिंग का एक टूल है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, ठीक है। अच्छा, अब इसमें देखें, इसमें भी इसी तरह से है कि आप अगर कोई भी प्रोडक्ट, लेट से मैं यहाँ पेपर टॉवल को सर्च कर लेती हूँ,
तो मतलब आप जो भी प्रोडक्ट इसमें सर्च करेंगे उसमें ये है कि आपको ब्रांड देखना है और सेम प्रोडक्ट आपकी वॉलमार्ट पर अवेलेबल होनी चाहिए ताकि आप उस प्रोडक्ट को मीटू कर सकें। और ऑब्वियसली उसमें आईपी कंप्लेन को आपने अवॉइड करना है और दोनों की प्राइस डिफरेंस होनी चाहिए ऑब्वियसली। अब फॉर एग्जांपल ये मेंबर मार्क की ये जो प्रोडक्ट है ये काफी मतलब है वो फेमस है नाम और से बिकता है ये ब्रांड इसको अगर मेंबर मैं की। कॉपी करके यहाँ पर सर्च करती हूँ क्योंकि कंप्लीट जी तो शायद ना सर्च करे लेकिन हमें यहाँ पर अगर ये प्रोडक्ट मिल जाती है देखें यहाँ पर 150 हीट्स हैं और कितने रोल्स हैं 2 प्लाई है और इसको कंप्लीट हाँ इसको जरा ओपन कर लेते हैं यहाँ पर ताकि हमें इसकी एग्जैक्ट मतलब पता चल जाए डिटेल्स पता चल जाए। जी अब ये 15 रोल्स वाली है ठीक है और वॉलमार्ट पर जी भी हमने देखना है कि 15 रोल्स 150 शीट्स। अब ये देखिए ये सब इसी तरह से ये 2 पैक है और ये सिंगल पैक है। ये यहाँ पर सेल आउट हो रहा है 32.98 का और यहाँ पर आपको मिल रहा है 19.98 का और मैक्सिमम 20 पर मेंबरशिप आप इसको ले सकते हैं। तो इसका मतलब है कि जब हम लिस्टिंग करेंगे वॉलमार्ट पर इसकी तो 20 से ज्यादा हमने क्वांटिटीज की लिस्ट नहीं करनी पहली बात ठीक है। सेकंड थिंग कि यहाँ पर देखें शिपिंग है यहाँ पर जिप कोड अगर हम एक ही एंटर करते हैं और एक ही उस पर हम क्वांटिटी को ऑर्डर करते जाते हैं क्योंकि 2 स्टेप में हमें अपने वेयर हाउस में ही मंगवानी है प्रोडक्ट और वहां से हमें इसकी बॉक्स और लेबल हमें पेस्ट करना है और फिर हमें कस्टमर तक शिप करना है। और ऑब्वियसली ये जो इनकी शिपिंग है वो 1 डे 2 डे में हो जाती है और आपने देखा होगा कि वॉलमार्ट पर जितने भी लोग सेलिंग कर रहे होते हैं उन्होंने अपना हैंडलिंग टाइम जो भी 2 स्टेप कर रहा होता है वो थोड़ा ज्यादा ही रखा हुआ होता है उन्होंने। तो अभी हम इस आइटम को ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि कितने और सेलर हैं जो कि सेम प्रोडक्ट को सेल आउट कर रहे हैं और इसके देखें फीडबैक भी अच्छे नहीं है इस सेलर के। टोटल 6 ऑप्शंस हैं सब सेलर्स को कंपेयर कर लेते हैं मिनिमम और मैक्सिमम प्राइस हमने देखनी है। क्या लोग ये देखते हैं? फीडबैक अच्छे होने चाहिए, सेलर रिव्यूज अच्छे होने ऑब्वियसली चाहिए, देखते समटाइम होता भी हैं। है कि लोग देख भी लेते हैं जिन लोगों को थोड़ा आइडिया होता है और कुछ लोग नहीं भी देखते वो डिपेंड कर रहा होता है वो कस्टमर टू कस्टमर ये चीजें वेरी कर रही होती हैं आपकी। ज्यादातर लोग जो किसी और मार्केट प्लेस पर सेल करने के लिए ऑर्डर कर रहे होते हैं वो तो लाजमी देखते हैं जो घर की जरूरत के लिए कर रहे होते हैं उनको इतना मसला नहीं होता उन्हें पता होता है मार्केट पे जाके हम लोग क्लेम कर देंगे रिटर्न का रिफंड का लेकिन दूसरे पर्सन के पास इस चीज का टाइम नहीं होता कि वो ये सारी चीजों को देख सके। जी अच्छा अब यहाँ पर देखें ये 32.99 फिर 33.50 34.50 अब इसमें ना ये मतलब ज्यादातर लोग हाई प्राइस में भी बेच रहे हैं। अब आप कह रहे होंगे कि इससे कौन खरीदेगा भाई ये तो इससे कौन इतनी हाँ इतनी ज्यादा प्राइस खरीदेगा? लगाकर बैठा है। अच्छा ये जो सारे है ना इनके पास है 20 की लिमिट ये सब सैम्स क्लब से या इधर उधर से ही प्रोडक्ट सोर्स कर रहे हैं। अब आप देखो इनके पास है 20 की लिमिट अब इसका 20 खत्म होगा ये चला जाएगा यहाँ से ये भी चला जाएगा आउट ऑफ स्टॉक होके। इसने दो चार प्रोडक्ट ही बेच ली तो इसके पास प्रॉफिट बहुत अच्छा हो जाएगा लेकिन ये बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स इस तरह की लगाकर बैठा हुआ होगा जिसमें इसको डेली बेसिस पे कहीं ना कहीं से ऑर्डर आ रहा होगा। तो मतलब ये मल्टीपल हाँ एसक्यू पे बैठा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता आए ना बिल्कुल आए। ऐसे ही है जहां पर कोई देखा आउट ऑफ स्टॉक हुआ सारे ऑर्डर इसी को जाने हैं भाई। लोगों ने तो ये देखना है कि इस वक्त अवेलेबल सेलर कौन है जब प्रोडक्ट किसी हाँ, को इमरजेंसी में चाहिए तो उसने तो खरीदनी है उसने प्राइस नहीं देखनी फिर उसने उसने ये प्राइस नहीं देखना देखनी है कि पर। मुझे प्रोडक्ट मिल जाए। फिर आपने देखा होगा बहुत सारे कस्टमर अगर हमारा हैंडलिंग टाइम बहुत ज्यादा हो और हमने अभी ट्रैकिंग या कोई चीज अभी प्रोवाइड ना की हो लोग कैंसिल करने लग जाते हैं ऑर्डर कि भाई हमारा ऑर्डर कैंसिल कर इसलिए दो फिर लोग WFS प्रेफर करते हैं, क्योंकि जी बिल्कुल WFS में जी एकदम एक्सैक्ट फास्ट शिपिंग है तो वो और चीपर सिक्योर प्राइस भी पे कहते हैं ज्यादा हमें मिल गया कोई बंदा तो वो उस टाइम पे है। रीस्टॉक पे अगर कोई आ जाए तो ठीक है अदरवाइज ये होता है कि फिर इसकी जो है वो अच्छी खासी मतलब समझे कि 50-50% इसको बच रहा होगा। आराम तो से कुछ जी लोग सिर्फ इसी स्ट्रेटेजी पर काम करते हैं मतलब ये कि वो लोग और किसी स्ट्रेटेजी पर काम ही नहीं करते वो ये करते हैं कि हाई प्राइस लगाकर बैठ जाते हैं नीचे और जैसे जैसे लोग बेचकर फारिग होते हैं तो इनकी बारी आ जाती है। और ये अक्सर इसी तरह की प्रोडक्ट आप देखेंगे कि होगी इस सेलर की अगर आप इन्फॉर्मेशन डिटेल निकालें ना अगर तो आपको हाँ, पता उसको सारी चलेगा प्रोडक्ट कि इसकी मिल इसके पास जाएगी। हाँ, ज्यादातर प्रोडक्ट्स इसी तरह की होंगी। गेम्स की होगी।
ठीक है, इस तो प्रोडक्ट की ये जानकारी। इसकी इसकी प्रोडक्ट्स और इसकी शॉप वगैरह को आप देखेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस तरह की आइटम्स को ये सेल आउट कर रहा है। ठीक ये है, कैसे हम सैम्स की जो प्रोडक्ट आपने हंट की है इसको कैसे हम मैन्युफैक्चरर से मंगा सकते हैं और कैसे फिगर आउट कर सकते हैं हंट करके, लाइक इसका मैन्युफैक्चर कैसे। समटाइम ये भी होता है कि ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर अगर हमें मिल जाए उसका तो हमें इनवॉइस भी मिल जाती है, और शायद से अगर हम एमओक्यू में मीट करें ड्रॉप उसको। शिपिंग में ना ये चीज होती है कि मैन्युफैक्चरर तक तो हम जा सकते हैं व्हाइट लेबल के लिए, लेकिन हम डिस्ट्रीब्यूटर के साथ या तो हमारा एग्रीमेंट हो कि वो फिर प्लेन पैकिंग में आपकी प्रोडक्ट डायरेक्टली भेजता जाए तो वो फिर ठीक है, जो ड्रॉप शिपिंग सप्लायर्स होते हैं वो ठीक है। अगर नहीं तो फिर जो डिस्ट्रीब्यूटर यूजली जो ऑथराइज होते हैं ना ब्रांड्स के, वो फिर आपको बल्क में ही आइटम उठाने को कहते हैं, फिर वो ड्रॉप शिपिंग नहीं रहेगी, वो तो फिर आपकी मतलब सम टाइम मतलब आप या तो उसे WFS कर दें या फिर जो प्रोडक्ट है उसको बल्क में खरीद के आगे बेचें जैसे होलसेल में होता है, तो फिर आप वो वाला काम कर सकते हैं। इसमें तो ड्रॉप उसमें शिपिंग कॉस्ट भी गिर जाती है बहुत ज्यादा, बट में प्राइस ऑब्वियसली इसमें काफी फर्क होता है, काफी फर्क। 3-4 डॉलर में हो जाएगी सोर्स मेरे हिसाब से, अगर एमओक्यू ज्यादा है तो। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। बाकी ये है कि फिर उसको आप ना बड़ा ऑर्डर प्लेस करने से पहले एक काम कर सकते हैं कि आप इस छोटा प्रोडक्ट सेल को कुछ यूनिट्स करना। लगाकर पहले इसको डायरेक्ट जिस तरह टू स्टेप ड्रॉप शिप है ना वो करके देख लें कि सेल कितनी है, रिस्क ना लें इकट्ठी परचेजिंग का, क्योंकि हाँ वॉलमार्ट की मार्केट ना अमेजोन की मार्केट से बहुत ज्यादा डिफरेंट है। तो इस वजह जी से हमेशा मैं अपने स्टूडेंट्स को ये सजेस्ट करती हूँ कि अगर आप मतलब बड़ी इन्वेंट्री बाय करना चाहते हो ना तो फिर आपने यही स्टेप लेना है कि आपने डायरेक्ट प्रोडक्ट जो है ना वो नहीं करनी, परचेसिंग बहुत ज्यादा करके एक ही प्रोडक्ट पे सारी इन्वेस्टमेंट लगा के नहीं बैठ जाना। उसमें आपने ये करना है, पहले आपने चेक करना है, फिर आपने देखना है कि मिनिमम MOQ उस प्रोडक्ट का क्या हो सकता है, 50 यूनिट हो सकते हैं, 20 यूनिट हो सकते हैं। अगर आपको अंडर 100 यूनिट्स मिल रहा हो तो फिर आप उसके ऊपर वर्किंग करें, अदरवाइज उसको छोड़ दें। ठीक है, अब यहाँ पर कम आप से कम देखिए डेली के कि 2-3 ऑर्डर तो आने चाहिए तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल फिर ठीक है। अब आप ये देखें ये सारी वो प्रोडक्ट्स लगा के बैठे जो सब सैम्स की हैं और इसी तरह की प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, आपको मैं एक दो एग्जांपल जैसे लाइव दिखा भी देती हूँ कि ये किस तरह से मतलब इसके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं इस आइटम को ओपन कर लेती हूँ, रीसेलर के प्रोडक्ट्स निकल गए पूरे हंट किए हुए, सॉरी ये वो सेलर के निकले हैं जी जी जो हम उसी फाइंड सेलर का करते स्टोर है ये, देखिए ना 1000+ हैं। प्रोडक्ट्स इसने लिस्ट की हुई है और सब वाओ सैम्स की है। ये देखिए ये इसकी है वाइटल ग्रोसरी, इसका स्टोर है, उसका स्टोर नेम ये था। ठीक है, तो चलें इसी को ओपन कर लेते हैं। अब इसकी जो प्रोडक्ट है तो मैं टाइटल कॉपी करूंगी और सैम्स क्लब पे चली जाऊंगी। कंप्लीट टाइटल से बाजुकात नहीं भी मिलता, आपको टाइटल मिलता शॉर्ट भी जुलता करना भी पड़ जाता है, नहीं जैसे अब यहाँ पर है रिजल्ट्स तो वो दे रहा है कुछ, लेकिन वो कह रहा है कि एग्जैक्ट प्रोडक्ट आप खुद देख लें कि इसमें से कुछ ना कुछ हमें कम करना पड़ेगा। हो सकता है इसका वो अवेलेबल ना हो, और देख लेते हैं आइटम्स तो काफी सारी इसने लिस्ट की हुई है, लेकिन ये इसका जो स्टोर है ना वो हमें दिखने से पता चल रहा है कि ये इसी तरह के उसके ऊपर वर्किंग कर रहा है, इसको देख लेते हैं। अच्छा बाज़ुकात इस तरह से होता है कि जो प्रोडक्ट है ना मतलब खास तौर पे जो प्रोडक्ट की पैकेजिंग होती है वो ना USA में ज्यादातर इसी तरह से, आप तो वहां रह रहे हैं आपको ज्यादा इस चीज का अंदाजा होगा कि फॉर एग्जांपल अगर 24 ounce की प्रोडक्ट आपको सैम्स क्लब से मिल रही है तो 24 ounce की वॉलमार्ट पर नहीं मिलेगी आपको, वॉलमार्ट पर जो मिलेगी वो ड्रॉप शिप ही हो रही होगी सैम्स क्लब से, क्योंकि वो कस्टमाइज पैकेजिंग अपने स्टोर्स के लिए करवा रहे होते हैं। तो हाँ ये चीज भी होती है इसमें,
इसी तरीका लोग क्या से। करते हैं, सैम से शिप फ्रॉम स्टोर करते हैं, फिर प्रेप सेंटर में ला के प्रेप करके आगे भेज हाँ देते, बिल्कुल ऐसे ही, ऐसे ही। अब यही देखें ये तरीका वाली है। प्रोडक्ट है, अब ये 1598 की यहाँ पर मिल रही है, हाँ और यहाँ पर अगर हम देखें तो ये 2490 की सेल आउट कर रहे हैं। तो इसकी इस स्टोर की ज्यादातर इसी तरह से आइटम्स हैं, और आप देखो प्राइस में अच्छा खासा डिफरेंस है। और अगर टू स्टेप ये कर रहे हैं तो ये अपने वेयर हाउस पे अपनी जगह पे ये प्रोडक्ट को मंगवा के भी अगर शिप कर रहे हैं ना, तो इसको शिपिंग और इसका टैक्स एग्जेम्पशन भी कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि आईडी ब्लॉक नहीं होगी इसकी, एक ही उस पर जा रही है, और ये क्वांटिटी भी कम कम ही लगाता होगा प्रोडक्ट की। ठीक है, अब यहाँ पर देखें इसमें जो है वो फ्री शिपिंग भी दी हुई है, और 3+ डेज में वो कह रहे हैं कि पहुंच भी जाएगी प्रोडक्ट। ठीक है, यूजुअली इसकी जो आइटम्स है वो इसी तरह की हैं, क्योंकि ये आइटम्स इस तरह की है कि जो सैम्स है, अच्छा सैम से कुछ लोग टू स्टेप नहीं भी करते, वो डायरेक्ट भी शिप करवा देते हैं। तो मतलब ये कि टू स्टेप में आपके अकाउंट की सिक्योरिटी होती है, बाकी में इतनी सिक्योरिटी नहीं होती आपकी। ठीक है, तो सेम प्रोसीजर हम लोग जो है उस पर भी फॉलो करते हैं, अमेजोन पर भी और बीजेएस पर भी, होम डिपो पर भी इस तरह से प्रोडक्ट करनी है। लेकिन असल चीज है कि हमने प्रॉफिट की कैलकुलेशन और बाकी सारी चीजें किस तरह से देखनी है, असल चीज वो है। प्रोडक्ट तो हमें मिल जाती है, सोर्सिंग भी मिल जाती है, सप्लायर भी मिल जाते हैं उसके, लेकिन असल चीज है कि हमें मतलब किस तरह से करना है। अच्छा, एक तो कीपा के थ्रू हम लोग इसकी मतलब टूल के थ्रू हंटिंग कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो टूल है ये काफी मतलब ठीक है, इसके अंदर काफी अच्छी प्रोडक्ट्स आपको मिल जाती हैं। और इसके अलावा मैं आपको कुछ और टूल्स के भी बता देती हूँ, अभी मेरे पास उनकी ना सब्सक्रिप्शन एंड हुई हुई है, लेकिन मैं आपको उनके रेफरेंस जो है वो बता देती हूँ, आप उनके थ्रू जो है इनको कर सकते हैं। एक मिनट मैं कीपा को लॉग इन कर लूँ, फिर हम फर्दर जो है वो कंटिन्यू करते हैं। एक मिनट वेट कीजिएगा सर, मैं कीपा को लॉग इन। यस जी मेरे पास है, एक हीलियम 10 भी होता है। हीलियम 10 को हम वॉलमार्ट के लिए यूज नहीं करते, अगर प्राइवेट लेबल वॉलमार्ट पे आपने करना है तो फिर आप कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा ना एक हंटीबल के नाम से एक टूल है, उसको भी हम लोग यूज करें जो ड्रॉप शिपिंग में यूज होता है। ठीक है, वो भी मैं आपको ओपन करके, एक मिनट ओपन कर लूं, फिर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये टूल है, पेड टूल है। सॉरी, जी ये हंटीबल की क्रोम एक्सटेंशन है, इसको आपने जो है वो ये प्रोडक्ट हंटिंग के लिए यूज होती है, और ये बहुत अच्छी मतलब है एक्सटेंशन, और समझ लें कि ड्रॉप शिपिंग के लिए बहुत जबरदस्त है। इसमें ये डायरेक्ट वॉलमार्ट के ऊपर भी काम करती है, और इसको आपने ऐड टू क्रोम करना है, और ये पेड है। ठीक है, इसको इसकी सब्सक्रिप्शन आपने ले लेनी है, और ऐड एक्सटेंशन पे क्लिक करके इसकी एक्सटेंशन को आपने डाउनलोड कर लेना है। और जब आप वॉलमार्ट के ऊपर प्रोडक्ट्स को रन करेंगे ना, तो मतलब प्रोडक्ट किसी भी कैटेगरी की ओपन करेंगे, तो उसके बाद एक्सटेंशन के ऊपर क्लिक करेंगे, तो ये सारा डाटा फेच करके आपको इवन आरओआई हर चीज बता देगा। और अगर आप एक खास प्रोडक्ट में जाते हैं ना, जैसे ये एक खास प्रोडक्ट है, लेट से मैं इस खास प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करके, और फिर मैं अगर इसकी एक्सटेंशन के ऊपर क्लिक करूंगी ना, तो ये मुझे प्रॉपर इसकी कैलकुलेशन तक दिखा देगा कैलकुलेटर के थ्रू, कि आपको क्या इसके अंदर जो है वो मतलब करना पड़ेगा, और सारा कुछ मतलब ये सारी डिटेल्स आपको जो है वो बता देगा। तो ये काफी अच्छी एक्सटेंशन है जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। ये इसका सिंबल है, इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे ना, तो ये तब उस टाइम पर रन होगी, लेकिन ये पेड है। अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर थोड़ा सा करके दिखा देती हूँ। आपके पास है इसकी पेड नहीं, सब्सक्रिप्शन? अभी अभी मेरी इसकी एंड हुई हुई है, यहाँ पर ईमेल और पासवर्ड एंटर करके आपने साइन इन करना है, लेकिन यहाँ पर फ्री में कुछ इसकी वो एक्सेस मिलती है, तो क्रिएट अकाउंट करके आप कर लीजिएगा उसको। एक दफा आप थोड़ा सा यूजर फ्रेंडली हो जाएंगे, तो फिर आप इसको बेशक बाय कर लीजिएगा।
है, क्योंकि मैं हंटिंग का काम खुद अब करती नहीं, तो इसलिए मेरे पास इसकी एक्सटेंशन ही टीम मेंबर्स हैं जो कि कर रहे होते हैं इसके ऊपर वर्किंग, तो वो लोग ही हंटिंग कर रहे होते हैं। अच्छा, अब इसमें ना आपको मैं वैसे बता देती हूँ इसका कंप्लीट ना, कि आप जब वॉलमार्ट पे इस तरह से कोई भी फॉर फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एयर फ्रायर ओपन करती हूँ, ठीक है, इसको मैंने ओपन किया, जब मैं इसको ओपन करूंगी और इसके जो सर्चिज हैं वो मुझे यहाँ पर शो होना स्टार्ट हो जाएंगी, उसके बाद मैं इसकी इस एक्सटेंशन के ऊपर क्लिक करूंगी। जब मैं इस एक्सटेंशन के ऊपर क्लिक करूंगी ना, तो ये मुझे जितने भी आइटम्स है ना, मतलब जो जो इस पेज के ऊपर आइटम्स आ रही हैं, इन सबको वो फेच करेगा और हर एक का आरओआई और सारी चीजें कैलकुलेट करके आपको बता देगा। और लेट से मैं स्पेसिफिक एक ही प्रोडक्ट की कैलकुलेशन, कंप्लीट कैलकुलेशन चेक करना चाहती हूँ। फॉर एग्जांपल मैं अब इसमें इंटरेस्टेड हूँ कि मैं इसको सेल आउट करूंगी और इसकी इसकी सोर्सिंग भी मुझे मिल गई है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्लिक करके और फिर इसकी एक्सटेंशन के ऊपर जब मैं क्लिक करके रन करूंगी ना, तो उस टाइम पर क्या होगा कि ये जो मतलब एक कैलकुलेटर रन होगा ऑटोमेटिक इसके ऊपर, और वो हमें सारी हंटिंग करके जो है वो इसके स्टैट्स वगैरह हमारे साथ शेयर कर देगा। तो मतलब ये कि आपको, और इसके जो मैंने देखा है कि इसके जो स्टैट्स हमें मिल रहे होते हैं वो 80-90% तक रिलायबल होते हैं और हम उसके ऊपर रिलाई कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि बहुत अच्छी अभी तक इसकी ड्रॉप शिपिंग में हंटिबल की जो फीचर्स हैं वो जा रहे हैं। तो इस एक्सटेंशन को आप जो है वो कर लीजिएगा ट्राई, इसका इसको पहले क्रिएट अकाउंट करके जरा फ्री में कर लें, और थोड़ा आपको यूज वगैरह जब करना आ जाए उसका, तो फिर आप बेशक इसकी पेड सब्सक्रिप्शन ले लीजिएगा, ठीक है। और बाकी जो कीपा है, कीपा में मैं आपको बता देती हूँ, कीपा में आपने डेटा में जाना है और यहाँ से प्रोडक्ट फाइंडर में जाना है, और इसमें अच्छा वो जो हंटिबल है उसमें भी इस तरह के फिल्टर्स का ऑप्शन होता है, आप उसमें फिल्टर्स के थ्रू भी इसको कर सकते हैं, ठीक है। एक मिनट ठहरिए।